इतिहास कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पूर्व मैंने आपको पढ़ाया था संस्कृति का टकराव। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है, एज टेक तथा मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। उत्तर है, एजटेक तथा मेसोमोटामिया की सभ्यता में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है स्थान का अंतर। एजटेक सभ्यता का विकास मध्य अमेरिका में हुआ था, किंतु मेसोमोटामिया की सभ्यता का विकास वर्तमान इराक के भूभाग पर हुआ था। दूसरा है भाषा तथा लिपि का अंतर। एजटेक सभ्यता के लोगों की भाषा नाहू हाट थी। इसकी चित्रात्मक लिपि थी मेसोमेटामिया के सुमेरियन लोगों की लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है। इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे जिन्हें चिन्हों, चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। यहाँ की सुगंधित लेखन कला की वजह से ही मेसोमेटामिया में उच्च कोटि के साहित्य का विकास हुआ। तीसरा है काल का अंतर। एजटेक सभ्यता का विकास 12वीं तथा 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था, अतः यह सभ्यता ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। मेसोमेटामिया की सभ्यता का विकास ईसा पूर्व की कांस्य युगीन सभ्यता थी। चौथा है आर्थिक जीवन का अंतर। एजटेक सभ्यता के लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे। इनकी सफलता का प्रमुख कारण वहां विकसित उद्योग था। इस सभ्यता के अंतर्गत धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था। इस सभ्यता के लोग धातुओं को पिघलाना जानते थे और धातुओं के अनेक उपकरण औजार बनाते थे। मिट्टी के सुंदर बर्तन सूती वस्त्रों को भी बुनना जानते थे। दूसरी ओर मेसोमेटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये लोग गेहूं, जौ, दाल तथा खजूर आदि की खेती करते थे। यहाँ के लोगों ने नहरों तथा बांधों का भी निर्माण किया। पांचवा है धार्मिक जीवन अंतर। एजटेक सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता सूर अन्न की देवी थी। यहाँ के लोग देवता के रूप में टोलटेक देवता की पूजा करते थे, किंतु मेसोपोटामिया के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे भी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, अर्थात ये बहुदेववादी थे। यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी तथा वायु देवता की पूजा करते थे। छठवां है सामाजिक जीवन का अंतर। एजटेक लोगों ने समाज की संरचना श्रेणीबद्ध रूप से की थी। अविचार वर्ग की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस वर्ग में पुरोहित, उच्च कुलों के लोग तथा बाद में प्रतिष्ठा प्राप्त लोग सम्मिलित थे। अविचार वर्ग के लोग सेना, प्रशासन, धर्म गुरु के रूप में कार्य करते थे। एजटेक लोग अपने वर्ग में से एक नेता का चुनाव करते थे जो आजीवन शासक के रूप में काम करता था, किंतु मेसोमोटामिया का समाज तीन भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, सामंत, उच्च अधिकारी तथा पुरोहित आते थे। मध्यम वर्ग में कृषक, शिल्पी और व्यापारी आते थे। निम्न वर्ग में सेवक और दास आते थे। समाज में स्त्रियों को समान की दृष्टि से देखा जाता था। सातवां अंतर है जो कला का अंतर। एजटेक सभ्यता के लोग वास्तुकला में पारंगत थे। इस तरह की पुष्टि उनकी राजधानी टेक्नोलान की सभ्यता एवं सुंदरता से होती है।
इस नगर में स्थित सफेद रंग के भवन थे तथा यहाँ अनेक बाग सुसज्जित थे। तैरते हुए बाग जिन्हें चिनापा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। उन्होंने मेहराब, स्तंभ तथा गुम्बद बनाने की कला का ज्ञान विश्व को दिया। उन्होंने अनेक भव्य मंदिर बनवाए जिन्हें जिगुरात कहा जाता है। उर नगर में स्थित नन्नार देवता का मंदिर वास्तुकला का उच्च कोटि का नमूना है। दूसरा जो प्रश्न है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपी नौचालन को सहायता मिली? इसका उत्तर है इस प्रकार, 15वीं शताब्दी में यूरोपी नौचालन को निम्न चीजों से सहायता मिली। दिशा सूचक यंत्र की खोज। पहले समुद्र में नौ चलान बड़ा कठिन था। सूचक यंत्र के आविष्कार से नौ चलान आसान हो गया। इस दिशा सूचक तंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की। दूसरा है यात्रा का साहित्य तथा विश्व वृत्तांत। यूरोप वासियों को विभिन्न यात्रियों द्वारा लिखा गया यात्रा का इतिहास तथा विश्व वृत्तांत पढ़ने को मिला। इससे उनको यात्रा में आने वाली कठिनाइयों, विश्व के विभिन्न देशों की भौगोलिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई। इससे उन्हें नौ चलान पर जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मार्को पोलो की यात्रा से अनेक जीवन नवीन चीजों की जानकारी हुई। तीसरा है स्पेन तथा पुर्तगाल के शासकों द्वारा सहायता देना। स्पेन तथा पुर्तगाल के शासक विभिन्न देशों से व्यापार करके अपार धन दौलत कमाना चाहते थे तथा वहां पर वे अपना उपनिवेश भी स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुशल नागरिकों को धन तथा अन्य साधन दिए, उनके लिए सुरक्षा के साधन भी उपलब्ध कराए। इससे नौ चलान में बहुत बड़ी सहायता मिली। चौथा है जिज्ञासा की भावना। जिज्ञासा जिस भावना ने यूरोप में पुनर्जागरण काल के व्यक्तियों को साहित्य, विज्ञान, कला और धर्म के क्षेत्र में नए नए विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया, उसी जिज्ञासा की भावना ने अन्य व्यक्तियों को नए देशों की खोज की प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा ने नौ चलान को प्रोत्साहन किया। पांचवा है यूरोपीय जहाजों में काफी सुधार। इस काल में समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाजों में भी काफी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा जो विशाल यात्राओं में माल की ढुलाई करते थे, साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्र से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का सामना किया जा सके। इससे नौ चलान सुरक्षित हो गया। तीसरा प्रश्न है, किन कारणों से स्पेन व पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? इसका उत्तर है वह इस प्रकार है, स्पेन तथा पुर्तगाल दोनों ही देश अपना व्यापार बढ़ाने, उपनिवेश स्थापित करने, दूसरे देशों की संपत्ति की लूट करके अपने देश को मालामाल करने के उद्देश्य से उन्होंने अटलांटिक महासागर जाने का साहस किया। इसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला है स्पेन तथा पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति। स्पेन तथा पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने की प्रेरणा दी। स्पेन तथा पुर्तगाल अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित होने के कारण उनको अटलांटिक महासागर की पूरी जानकारी
थी। इसी कारण सबसे पहले उन्होंने इसको पार करने की योजना बनाई। दूसरा है पुर्तगाल के शासन का कुशल नाविक होना। पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी एक कुशल नाविक था। उसने अन्य नाविकों को नाविक कला की जानकारी दी और उनको जल मार्गों द्वारा नए नए मार्गों की खोज करने की प्रेरणा दी और समाज नाविक साज सामान जहाज तथा धन भी दिया। उसने स्वयं पश्चिमी अफ्रीका की देशों की यात्रा की। 1415 ईस्वी में सिरस पर आक्रमण किया। इसके बाद पुर्तगालियों ने वहां के शासक की प्रेरणा से अनेक आक्रमण करके अफ्रीका के बोजाडोर अंतद्वीप में अपनी बस्ती बसा ली और व्यापार केंद्र भी स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। पुर्तगाल के एक प्रशिक्षित नाविक कोविल्डम ने 1487 ईस्वी में भारत के मालाबार द्वीप तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तीसरा है आर्थिक महत्वाकांक्षा। स्पेन तथा पुर्तगाल के शासक तथा नाविकों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई थी। उन्होंने अटलांटिक महासागर पार के देशों की धन दौलत के विषय में सुन रखा था। वे वहां सोना चांदी मसाले बहुमूल्य लकड़ी आदि को प्राप्त करके मालामाल होना चाहते थे। चौथा है उपनिवेशों की स्थापना। स्पेन तथा पुर्तगाल विदेशों में जाकर अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे अटलांटिक महासागर को पार करके जाना चाहते थे। 1519 ईस्वी में स्पेन वासियों ने क्यूबा के गवर्नर हर्नान कॉर्टेस के नेतृत्व में एक अभियान दल मेक्सिको की विजय के लिए भेजा। स्पेन वासियों को यह समाचार मिला कि मेक्सिको में एजटेक नाम का साम्राज्य है जिसके पास सोने का अपार भंडार है। कॉर्टेस ने वहां जाकर कब्जा कर लिया और उसने वहां के सम्राट मोंटेजूमा को बंदी बना लिया। इसके बाद फ्रांसीसी पिंजारा ने वहां इनका साम्राज्य का अंत करके अपना उपनिवेश बनाया। इसी प्रकार पुर्तगालियों ने अटलांटिक महासागर को पार करके उसे उपनिवेश बसाए। पांचवा है पोप का आशीर्वाद। पोप के आशीर्वाद ने अटलांटिक पार करने की प्रेरणा दी। स्पेन तथा पुर्तगाल कैथोलिक धर्म को अपनाए हुए थे इसलिए पोप इनके साथ था। छठवां है मछुआरों द्वारा नौकायान में विशेष प्रवीणता। पुर्तगाल स्वतंत्र राज्य बनने के बाद उसने नौकायान की ओर विशेष ध्यान दिया। इसके कारण वहां के मछुआरे ने नौकायान के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। इसी कारण उन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करने का साहस किया। बच्चों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के उत्तर समझाए हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और पीडीएफ में आपके और भी क्वेश्चन के आंसर हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते।